एक कुम्हारिन जो सुबह सुबह मिट्टी लाने के लिए जाती है, वहाँ एक लड़की मिलती है, उसका हेल्प करती है, उसके बाद अचानक वो लड़की वहाँ से गायब हो जाती है। नमस्कार, आप देख रहे हैं शौर्य टीवी, मैं आपके साथ मुकेश राम प्रजापति। और आज की ये कहानी धनबाद की है, मेरे रिलेशन की ही कहानी है ये, बस नाम लेने से उन्होंने मना किया है इसलिए मैं आपको नाम नहीं बतलाऊंगा। एक कुम्हारिन जो सुबह सुबह, समय का अंदाज़ा नहीं होता है, अगर मुर्गा बांग मार दिया लोग समझ गए सुबह हो गई, तो उसे समय का अंदाज़ा नहीं था। वो तकरीबन 4:30-5 बजे के आसपास, 4:30 बज रहे होंगे, वो घर से निकल जाती है। घर से निकलने के बाद वो जाती है मिट्टी लेने के लिए, और जहाँ वो जाती है मिट्टी लेने के लिए, वो जगह नदी का किनारे बसा हुआ जगह है, और जहाँ से मिट्टी लाती है ठीक उसके पहले बच्चों का दफनाने वाला कब्रिस्तान है, वहीं से गुजर के उसे जाना होता है। वो महिला वहाँ पहुँचती हैं, मिट्टी खोदती हैं, मिट्टी को जमा भी कर लेती हैं, लेकिन वो देखती हैं इधर उधर कोई नहीं है जो उनका हेल्प करे, मिट्टी का टोकरा उठा के उनके सर पे रखे। थोड़ा इधर उधर देखने के बाद सामने एक लड़की आती है, करीब 12-14 साल की, तो उसे हेल्प के लिए कहती है, तो वो हेल्प करती है, बाकायदा वो टोकरी उठा करके उसके सर पे रखती है। और जैसे ही टोकरी रखती है, टोकरी लेने के बाद जैसे ही वो मुड़ती है, वो लड़की वहाँ से गायब हो जाती है। अब उस औरत को ये समझ नहीं आ रहा था कि आखिर क्या हुआ। वो चारों ओर देखने लगी, कोई दूर दूर तक नजर नहीं आ रहा था, उसके हक्के बक्के टाइट हो गए थे, उसे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था कि हुआ क्या, कौन थी वो लड़की, उसके बदन में सिहरन। वो किसी तरह वहां से झटपट झटपट स्पीड में वहां से निकली, घर पहुंची। घर पहुंची ही थी कि मिट्टी का टोकरा सर पे ली हुई वो अपने आंगन में गिर गई। अब घर वाले उठ के आए, क्या हुआ, किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था आखिर ये हुआ क्या। वो महिला कांप रही थी, उसके सर में इतना अधिक दर्द था जो असहनीय था, और ये सब अचानक शुरू हुआ। घर वाले सब परेशान, वो कांपने लगी। थोड़ी देर के बाद जब वो थोड़ा नॉर्मल हुई तो लोगों ने पूछा आखिर बात क्या है, तो उसने बतलाया कि मैं नदी पर गई थी, वहाँ एक लड़की मिली, टोकरी उठाई, उसके बाद लड़की गायब हो गई, और वो लड़की कहीं ना कहीं वो जो कब्रिस्तान मैंने बताया जहाँ बच्चों को दफनाया जाता था वहीं की हो गया, जो भी हो, लेकिन वो बीमार हो गई, और इस कदर बीमार हो गई सर दर्द ठीक होने का नाम ही नहीं ले रहा था। क्या डॉक्टर क्या वैद्य सबके पास लोग गए, और ये लंबे समय तक चला, तकरीबन 6-8 महीने का ये खेला शुरू हो गया उनके घर में। डॉक्टर के पास जाकर बोले कोई बीमारी नहीं है, कुछ भी नहीं है, हर तरह का जांच, माइग्रेन टेस्ट, बहुत तरह के MRI वगैरह वगैरह जो भी चीज़ था सब लोगों ने किया, लेकिन कहीं से कोई बीमारी नहीं निकल रही थी। लेकिन सर दर्द इतना जो असहनीय है, सह पाना मुश्किल, अगर दवा खा रही, दवा का असर बस वही 5-10 मिनट, फिर दर्द वैसे ही एज इट इज। फिर उन्होंने सहारा लिया एक तांत्रिक का, एक मौलाना का। मौलाना के पास जब वो लोग गए तो मौलाना ने बताया कि आफी के परिवार से कोई है जिसने तंत्र विद्या करके आपके ऊपर उस लड़की को भेजा था, वो मृत लड़की जो थी उसकी रूह को आपके पास भेजा था, जिसने आपका हेल्प किया। लोगों को समझ में नहीं आता, सबको लगा ये मजाक है जो भी है। फिर उस मौलाना ने कहा कि आप मुझे समय दीजिए, मैं बहुत जल्द इन्हें ठीक कर दूंगा। और फिर सिलसिला हुआ झाड़ फूक का, सुबह शाम लगातार पूरा घर अगरबत्ती के धुएं से भरा हुआ, घर का हर एक सदस्य सहमा हुआ था, क्योंकि वो ऐसा हरकत कर रही थी कि लोग परेशान थे, बचा पाना मुश्किल था। तकरीबन 8 महीना तो वो दर्द झेल चुकी थी, उसके बाद 15-20 दिनों के झाड़ फूक के बाद वो महिला ठीक हुई, दुरुस्त हुई।
अभी वो बिल्कुल ठीक है, घर परिवार में है, अपने बच्चों के साथ है। दोस्तों ये लोगों को ध्यान रखने वाली बात है, अगर आप भी कहीं सुबह सुबह निकलते हैं तो समय का अंदाज़ा ज़रूर लगाएं और आप कहाँ जा रहे हैं इसका भी ध्यान रखें। आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। फिर मिलेंगे अगले शुक्रवार किसी नई कहानी के साथ, तब तक के लिए बने रहें स्टोरी टीवी के साथ। और हाँ, सुपर थैंक्स पर क्लिक करके हमें ज़रूर डोनेट करें ताकि आपके बीच कहानियों को लाने में हमें और सहूलियत होगी। नमस्कार।